हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुक विद देसी स्टाइल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से नमक पारा की रेसिपी। आप देख सकते हैं ये कितने क्रंची बने हुए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी कटोरी आटा लेंगे, उसमें एक चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे। 5 मिनट तक इसे दोनों हाथों से स्क्रब करेंगे। आप जितना ज़्यादा इसे मसलेंगे उतना ही ज़्यादा ये खस्ता बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे आटे की तरह गूंध लेंगे। इसका डो आप रोटी की तरह नहीं बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, आप वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये थोड़ा टाइट रहेगा, आप ये जितना टाइट रहेगा आपके नमक पारे उतने ही क्रंची बनेंगे। आटे को आप जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे नमक पारे अच्छे बनेंगे, मतलब फूले फूले बनेंगे। और देखिए हमारे डो लगभग तैयार हो गए हैं। इसे हमने ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट तक गूंदा है। ये देखिए हमारे डो रेडी हो गए हैं। हमारा डो तैयार हो गया है, अब हम इसे रोटी की तरह बेलेंगे। ये ज़्यादा पतली नहीं बेलेंगे हम और ज़्यादा मोटी नहीं बेलेंगे। अगर ज़्यादा हम मोटी बेल दिए तो ये फूलेंगे नहीं। देखिए इसे हल्का पतला ही बेलिएगा, पतला मतलब आप ऐसे बेलिएगा जैसे हम दो पतली रोटी को मिला दें, तो इतना ही आप मोटा रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा मत कीजिएगा। हमारी रोटी तैयार हो गई है, अब हम इसे कट करेंगे। देखिए इसे हमने काजू कतरी की शेप में कट कर लिया है। देखिए ये देखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब हम ऐसे करके सारे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने सबको कट कर लिया है। चलते हैं अब इसे डीप फ्राई करने। हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें अपने नमक पारे डालना स्टार्ट करते हैं। संभाल के करिएगा वरना आप जल जाएंगे। देखिए हमने पूरी कढ़ाई को नमक पारे से भर दी है। अब हम गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और इसे धीमी आंच में काफ़ी टाइम तक पकाएंगे। देखिए हमने पूरी कढ़ाई भरी है, अब हम इसे स्लो कर दिए हैं देखिए, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप धीमी आंच पे पकाइएगा, अगर आप फास्ट करके पकाएंगे तो ये नमक पारे जल जाएंगे और इतने क्रंची भी नहीं बनेंगे। सो ये देखिए ये, और ये तैयार हो गया है। अब हम इसे निकालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए को नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए ये कितने अच्छे बने हुए हैं, गोल्डन ब्राउन हुए हुए हैं। अब हम इसे कोई भी आप पेपर में निकाल सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैं ये टिश्यू नहीं था तो मैं इसी में निकाल ली हूँ। इसी तरह हम सारे नमक पारे को फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिए क्योंकि ये चिपक गए थे। आप अगर इसे मतलब चम्मच से अगर इस पर प्रेस करेंगे, देखिए अभी मैं करके बताती हूँ, ये प्रेस की हूँ, देखिए कैसे सब अलग हो गए हैं, खुले खुले हो गए हैं। तो आप ऐसे करिएगा ठीक है। अब इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे आप प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। ये देखिए हो गए सारे अलग, अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखा आपने एक बाउल आटे में हमने कितने सारे नमक पारा बनाए हैं, वो भी इतने क्रंची। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। सी यू सून गाइज़।